ये है हमारे घर तक जाने का रास्ता। मैं भूल गई थी कि मैं, मम्मी नहीं मानेंगे, ये जो मैं बचपन से हम करते रहे, मैं नहीं मतलब हम, अभी कोई कमेंट में ये मत बोलना कि अगर बात ही नहीं करनी, मेरे को गुस्सा आ जाते, छोड़ो। बट फिर भी मैंने व्लॉग करना नहीं छोड़ा। हेलो गाइस, तो मैं जाने वाली हूँ घर। घर जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब स्टेशन जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। बट अभी मैं जा रही हूँ विशाल थोड़ा सा सामान लाने, तो इसीलिए मैं बाहर निकल आई। और जैसे ही मैं निकली तब मुझे पता चला बारिश हो रही है, मैं छतरी लेके नहीं आई। मैं तो जाने वाली थी स्मार्ट बाज़ार, बट वो थोड़ा दूर हो जाता है, तो इसीलिए अभी विशाल ही जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ सीधा। मैंने ले ली है यहाँ पे दो पैकेट नमकीन 2 किलो का, बस यही लेने में आई थी। यार गाइज, 1-2 कर करके बैग फुल हो गया, आप समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। ऊपर से मैं देर भी हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ, जुगाड़ निकालना पड़ेगा, जल्दी खाना खा के निकल जाती हूँ। सब्जी बनाने का टाइम है नहीं, तो मैं ये समोसा लेके आई और पीछे ये सब इग्नोर, मैं ऐसे ही रहती हूँ। अभी ये समोसे के साथ मैं चावल खाऊंगी, उसके बाद निकल जाऊंगी यार, बस। अब और कुछ भी नहीं लेके जा सकती मैं। बट मेरा एक घर पे भाई रहता है, जो इस उम्मीद के साथ बैठे रहता है कि दीदी आएगा मेरे लिए कुछ लाएगा, सो उसके लिए ये सब। हालत बहुत ख़राब हो गई, और ये अचानक इतना धूप क्यों आ गया पता नहीं। मतलब मैं निकली थी अपने रूम से 2:40 को शायद, हाँ, तो कचरा फेंकने गई, उसके बाद मैं भूल गई थी जिस रास्ते से ऑटो आता है वहाँ पे काम चल रहा है, तो जो ऑटो है वो घूम के आता है, जिसकी वजह से आधा घंटा लग जाता है। अभी 4 मिनट बाकी है ट्रेन जाने में, थैंक गॉड मैं पहुँच गई। और आज तो भाई इसके बाद सीधा रात का ट्रेन है, और रात में मैं अकेली कैसे ही जाऊंगी। जा तो सकती हूँ, बट फिर भी मम्मी नहीं मानेंगे, सो अभी जल्दी आते हैं। देख रहे हो मेरी हालत हेयर वेयर क्या हो चुकी है, छोड़ो। बट फिर भी मैंने व्लॉग करना नहीं छोड़ा। लिया है अपना कुरकुरे का पॉपकॉर्न, थोड़ा सा ही है अभी, एक बार में मैं ख़त्म नहीं कर पाई, मतलब ये बड़ा सा है ना, तो ये खाते में खा के मैं बोर हो गई थी। ख़त्म करते हैं, और जब तक मैं ख़त्म करूँगी तब तक मैं पहुँच जाऊँगी। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे मेरे को खुद नहीं पता, तो अभी 9 बज गए हैं। जहाँ मैं अब तक घर जाके नहा धो के खाना खाती, वहाँ मैं अभी भी ट्रेन पर हूँ, और अभी न्यू बोंगाईगांव पहुँच गए। बट आज मैं यहाँ नहीं उतर रही हूँ, क्योंकि ये बासुगांव में रुकेगा, तो मैं वहाँ पर उतरूँगी जहाँ पे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी एक और स्टेशन बचा हुआ है, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगी। वैसे वो स्टेशन तो नहीं है, बट वहाँ पर भी मतलब रुकेगा ट्रेन, यहाँ पर दिखाया फ़ोन पर, बस पहुँच जाए जल्दी से घर। जब ट्रेन में जगह नहीं होता है तो नहीं होता है, खड़ा रहने का भी नहीं होता है, और अभी इतना जगह है कि 2 इंसान सो के भी जगह रह जाए।
धीरे धीरे पूरा ट्रेन खाली होते जा रहा है। पहुंच गई, अभी जाएंगे घर। ये मेरी पूरी दिन की जर्नी की स्ट्रगल अलग, और अभी जो मेन स्ट्रगल होने वाली है जो मैं बचपन से हम करते रहे, मैं नहीं मतलब हम, वो अभी करने जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, ये है हमारे घर तक जाने का रास्ता जो सिर्फ और सिर्फ पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर रखूँगी अपना पैर। गया एक, गया ये, दूसरा भी जाएगा, ये भी गया। चलो, तो जगह भी होना चाहिए ना ये रखने के लिए। स्वागत है गाइस, ये देखो, ला 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 ला। अभी मैं फाइनली पहुंच गई घर बहुत स्ट्रगल के बाद। अभी कोई कमेंट में ये मत बोलना कि अगर तुम लोग का रास्ता ख़राब है तो ठीक नहीं क्यों करवाते हो। सो बात ऐसी है कि पिछले कितने सालों से पता नहीं पापा बोल बोल के थक चुके हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोग वैसे ऐसे ही रहना पसंद करते, अब क्या ही कर सकते। अब अकेले पापा तो नहीं कर सकते ना सब। यहाँ पे कितना घर रहता है, 9-8 ऐसा ही। सारा लोग अगर मिलकर करेंगे तो ज़रूर होगा, बट नहीं हो रहा है। और जिसके उधर से रास्ता आता है वो लोग भी ज़मीन नहीं देता है रास्ते के लिए, तो क्या ही कर सकते हैं। छोड़ो ये बात, अभी इस बात पे बात ही नहीं करनी, मेरे को गुस्सा आ जाते। सो मैं क्या बोलती, हाँ अभी मैं आ गई हूँ घर और अभी मैंने नहा ली है, सर नहीं धोया क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, अभी 10:30 बजने वाले। सो अभी खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। या मेरे मम्मी के द्वारा मेरे बैग खोले जा रहे हैं। नहीं दिखा दे, हबो दे, नहीं दिखाऊंगा। वहाँ पे मेरा भाई सोया हुआ है, अगर उसको दिखाऊंगी तो चिल्लाएगा, इसलिए नहीं दिखाना। माय फैमिली इज ए वेरी प्राइवेट। और ये मेरे कोलैबोरेशन में आया हुआ सामान जो मैं हमेशा घर में लाके रख देती हूँ और मम्मी इसको सजा के रखते हैं। सुन भी